सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे ना होगा। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं तार हमारे कदमों की। विश्वास में विष भी है और आस भी है, ये स्वयं पर निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। आज का पंचांग 23 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 6:27 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 6:53 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:14 से 10:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 23 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, विष्णु संबंधित किसी मीटिंग में आपके मन मुताबिक मोड़ आने की संभावना है। आप आज शांत किंतु दृढ़ हैं। आपने खूब सोच समझकर फैसले लिए हैं। कार्यस्थल पर सकारात्मक बदलाव होंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात संभव है। घर पर शांत और संतुष्ट बने रहेंगे। बौद्धिक उन्नति होगी। प्रियजनों की ओर से कोई खुश कर देने वाली खबर भी मिलेगी। आपकी प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेगी, जिससे आपके आत्मबल व कार्य क्षमता में निखार आएगा। आपकी प्रभावशाली वाणी दुष्टों के ऊपर बेहतरीन छाप छोड़ेगी। अगर प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना है तो समय अनुकूल है। संयम बनाए रखेंगे तो फायदा प्राप्त हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ें। कुछ कामों में गति लाने की कोशिश करनी होगी। जितना ज्यादा आप लोगों पर निर्भर रहेंगे उतना अधिक समय काम करने में लग सकता है। अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करना संभव हो सकता है। शुरुआत में कुछ लोगों के साथ अनबन होने की आशंका बन रही है। विवाह से संबंधित निर्णय आपकी मर्जी के अनुसार ही होगा। माइग्रेन की तकलीफ बढ़ने ना दे, आवश्यकता होने पर डॉक्टर से सहायता जरूर ले। सावधानियां, कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मन कुछ परेशान रह सकता है। परंतु मनन करें तो आपको महसूस होगा कि यह सिर्फ आपका वहम ही है। आज लाभ के स्रोत कुछ कम रहेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच में चल रही मनमुटाव को समझदारी से सुलझाने की आवश्यकता है। विवाह योग्य लोगों के लिए जल्दी ही विवाह संबंधित कोई उचित रिश्ता आएगा। आपका करीबी दोस्त आज अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। ये मौखिक नहीं बल्कि क्रियाकलापों के माध्यम से होगा। यह बहुत ही सूक्ष्म हो सकता है, ऐसी बातों के प्रति सचेत रहें। यह भी हो सकता है कि यह दोस्ती प्यार में बदल जाए। तुरंत प्रतिबंध ना हो या एक मोह हो सकता है, इसीलिए और संकेतों की थोड़ी प्रतीक्षा करें। बात करते हैं करियर की। आपको सर्वशक्तिमान के संदेश अपने किसी निकट के व्यक्ति से मिल रहे हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए ग्रहणशील रहें और निर्देशों का पालन करने की कोशिश करें। आपको अपने कार्य योजना में परिवर्तन करना होगा ताकि कोई गलती ना हो जिसे आप पूर्ववत नहीं कर सकते। वित्तीय स्थिति और खर्च में अच्छा संतुलन बना रहेगा। हालांकि आप खर्चीले साबित हो सकते हैं, परंतु तब भी अप्रत्याशित स्रोतों से आय का सृजन होता रहेगा। मशीनरी और खान पान संबंधित बिजनेस में बहुत अच्छे एग्रीमेंट भी मिलेंगे। आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए उचित समय है। बात करते हैं सेहत की। आप आज कुछ अंतर्मुखी से महसूस करेंगे और अपनी खुद की भावनाओं का निरीक्षण करेंगे। आपको किसी आंतरिक भावना से यह भी महसूस होगा कि आप कुछ बदलाव की जरूरत है। इसके नकारात्मक परिणामों को भी ध्यान में रखें, इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा।
इसलिए अपनी भीतरी शांति बनाए रखकर केंद्रित रही। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।